हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हमारे पास जो प्रीवियस ईयर्स के हम क्वेश्चन कर रहे हैं सीपी शेड्यूलिंग के अंदर, उसमें हम राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी का सन 2014 के अंदर ये 8 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन में देखो पूछा क्या गया है कि हमें एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है दो शेड्यूलिंग यूज करके, प्रिमिटिव SJF और राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग यूज करके, जिसके अंदर टाइम क्वांटम 4 दिया गया है। ये वैल्यूज दी गई है, हालांकि 8 नंबर के अंदर आई थिंक न्यूमेरिकल वेटेज कम दी गई, कम से कम 12 नंबर के अंदर ये आना चाहिए। चलो बात की बात है। वो तो एक चीज बता दूं, अभी तक जितनी भी हमने राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटीज की वीडियोस की है, उसके अंदर ये प्रिमिटिव SJF जरूर पूछी जाती है। आई थिंक मैंने 5वीं 6वीं वीडियो है ये, जिसके अंदर ये हम देख रहे हैं कि प्रिमिटिव SJF की दी जा रही है। पिछली बार एक वीडियो में हमने ये भी देखा था कि एक ही क्वेश्चन 2012, 14 और 18 में सेम क्वेश्चन सेम वैल्यूज के साथ आया था। ठीक है, तो याद रखिए जो भी आईटी यूनिवर्सिटी से है, प्रिमिटिव SJF जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि न्यूमेरिकल हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो जाए यहाँ पे, दो वैल्यू पूछी गई है। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रिमिटिव SJF यानी शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, जानबूझ के वो आपको ये चीज देते हैं, पता तो चले कि इनको कि SRTF होता है क्या नहीं होता। ठीक है, प्रिमिटिव मतलब CPU अब मैं ले सकता हूं, तो जल्दी से देखते हैं इसको। पिछली वीडियो सारी देख लीजिए आप, मैं रिक्वेस्ट करूंगा ताकि आपका कंसेप्ट बिल्ड हो जाए। ठीक है जी, जीरो से स्टार्ट करते हैं। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट कंसेप्ट क्या कहता है, जिसका टाइम कम है उसको जगह पहले दो, मगर अराइवल भी देखना है यहाँ पे। ठीक है जी, तो जीरो पे स्टार्ट करेंगे। कौन आया? P1, इसका अराइवल फर्स्ट टाइम कितना है? 2, सबसे कम है। अच्छी बात है, पूरा पूरा CPU दूंगा इसको तुम्हें। ठीक है जी, चले अब देखो, एक मिनट रुक जाइए सबसे। हाँ, मैं एक छोटी सी गलती होगी, उन्होंने ट्रिक घुमा रखी है, अराइवल टाइम घुमा फिर आके ऊपर नीचे कर रखे हैं। देखो तभी मैं सोचा थोड़ा सा कहीं मैंने तो गड़बड़ नहीं कर दी, तो यहाँ पे थोड़ा फोकस करना कि जीरो पे है और दो दी है, और मुझे लगा 3 के बाद 4 होगा, 5 होगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 है। अब 1 पे देखूंगा एक बार, यहाँ पे इसका बस टाइम ज्यादा है, नहीं चाहिए बट सबसे कम यही है, उसको देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, अब 2 पे मेरे पास एंटर कौन कर चुका है? P3 और P4, ये दोनों एंटर कर चुके हैं, ये कंप्लीट हो चुका है। सीधी सी बात, P3 P4 एंटर कर चुके टाइम 2 पे। इसका 7, इसका 17 किसको देना चाहिए? कम वाले को। तो क्या करेंगे, यहां पे कम वाले को देंगे और P3 का नंबर लग गया यहां पे। ठीक है जी, जैसे ही अब एक चीज देखिए, मैं टाइम पे पहुंचूंगा 3, मेरे पास एंटर कौन हो चुका होगा? P2 भी आ चुका होगा, बट इसका 8 है और इसका अब 6 रह चुका, तो ये अपना पूरा यूज करेगा। 2 से 7 कितने हो गए? 9। ठीक है जी, P3 भी हो गया, अब बचे कौन? 9 और 7, किसको मिलेगा पहले? P2 को, देन P4 को। ये थोड़ा सा फोकस करने वाला था एग्जांपल, अच्छी बात है हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आया जहां पे अराइवल टाइम थोड़ा सा आगे पीछे करके दिया जाता, नहीं तो पहले क्या था 0 1 2 3 इस तरीके से दिया जाता सिंगल में। अब ये हो गए, P2 की टाइमिंग कितनी थी? 9, तो 9 और 9 18 के बाद इसकी 7 18 19 20 और 5 25। ठीक है जी, टोटल चेक करते हैं पहले, सबसे पहले 9 2 11 11 7 18 18 और 17, आई थिंक गलत लिख दिया हमने कहीं पे, चेक करो 9 2 11 11 7 18, आई थिंक यहाँ पे हमने गलत कर दिया, ये 7 जोड़ दिया, 17 था बेसिकली, 18 और 17 होते हैं 35। ठीक है जी, अब सही आ रहा हमारा आंसर, ये भी 35 ये भी 35, यहाँ पे कहानी आधी खत्म हुई। आगे चलते गैंट चार्ट, इसका बन गया गैंट चार्ट है, अब आगे गैंट चार्ट की जगह आगे बनाते हैं। इसमें क्या निकालना है? एवरेज टर्न अराउंड टाइम। अच्छी बात है, एवरेज वेटिंग टाइम इसलिए नहीं पूछा, इसलिए वेटेज थोड़ी सी कम कर दी है। तो टर्न अराउंड टाइम हमारा क्या होता है? कंप्लीट कब हुआ माइनस में उसको अराइवल कब थी। ठीक है जी, कंप्लीट देखेंगे P1 कब हुआ, पीछे से 2 पे हुआ 2 माइनस, P2 कब हुआ 18 पे, P3 कब हुआ 9 पे, P4 कब हुआ 35 पे। ठीक है जी, अब क्या करना है, माइनस करना है 0 3 2 1, ओके
आंसर दो, इसका 15, इसका 7, इसका 34। ओके, इसकी कैलकुलेशन बाद में करेंगे, पहले गैंग चार्ट बनाते हैं राउंड रोबिन का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए यहाँ पे कंसेप्ट में। आओ, यहाँ पे क्या है, एक रेडी क्यू बनेगी कि जिसका टाइम अगर रिक्वायरमेंट ज्यादा है और कम के लिए मिल रहा है उसको, तो भागो पीछे लग जाओ, सीधा सा लॉजिक। जीरो पे स्टार्ट करूंगा, ठीक है जी, कितना टाइम क्वांटम है यहाँ पे, 4 मिलीसेकंड के सबको मिलेगा, जिसकी कम रिक्वायरमेंट है वो कम के लिए ले लो, ठीक है जी, और निकल जाओ। P1 एंटर हुआ, जिसकी रिक्वायरमेंट है 2 मगर मिल सकता है 4 के लिए, तो 2 ही के लिए देंगे उसको, जाओ भाई खुश रहो, सीधी सी बात, तुम बाहर निकल गए। अब देखो, देखो सोचने वाली बात है, जैसे ही 0 के बाद 1 हुआ और 2 हुआ, 1 और 2 पे कौन एंटर हो चुके थे, P4 पहले आया, उसके बाद P3 आया। एग्जाम्पल क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ, घुमा फिरा के तभी मजा आता है। P4, P3, ठीक है जी, ये लाइन में लग चुके खाना खाने के लिए। अब क्या करना है, लाइन में डालो, P4 की रिक्वायरमेंट 17 की, ठीक है जी, मिलेगा कितनी देर के लिए, 4 के लिए। P4 यहां से निकला लाइन से और लग गया, उसको खाना मिल रहा है P4, तो कितनी देर के लिए मिलेगा उसको, अब 4 के लिए, 6 हो जाएगा यहाँ पे। जैसे ही देखो 3 होता है, 2 के बाद 3 हुआ, तो लाइन में कौन लग चुका है, लाइन में लग चुका है P2, और P4 बाहर का निकला 6 पे, तो अब जल्दी से भागेगा, P2 के पीछे लग जाएगा। ओके, सही है, क्योंकि मेन चीज यहीं पे यही है, ये घूमते रहेंगे आपस में। अब देखो किसका नंबर है, सीधी सी बात, पहले देखो P1 का 0 हो चुका है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, बाद में मिटा दूंगा। P4 का कितना बचा, 17 में से 4 गए, 13 बचा, 4 यूज कर चुका है। आगे बढ़ते, P3 का नंबर आया, 7 है, P3 को यहां से निकाला, P3 को डालेंगे यहां पे, कितनी देर के लिए, 4 के लिए, 10 और था 7, 7 में से 4 गए, 3 बच गया इसका, ठीक है जी। अब देखो आगे P2 का नंबर आया, P2 का नंबर अभी नहीं आया, पहले P3 को भागने दो, P2 का नंबर आया, पीछे लगा रहे, P3 को ध्यान रखना क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ। P2 को डालेंगे इसके अंदर, रिक्वायरमेंट 9 की है, मिलेंगे 4 ही अभी, तो 10 4 14 और 9 में से 4 गए 5, ठीक है जी। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या होगा, P2 भाग के पीछे लगेगा, P4 की रिक्वायरमेंट कितनी बची, 13 की, मिलेगा 4 के लिए, तो क्या करते हैं, पहले 10 हटा देते, 13 ये बचे 9, 4 के लिए इसको दे दो P4 को, 14 4 18 और लाइन में लग गया ये P4, काम खत्म नहीं हुआ इसलिए लाइन में लग गया। यहां से निकाल देते हैं, यहां से निकालना भूल गए, ठीक है। अब आ रही है P3 की, P3 का बचा 3, 4 के लिए मिल सकता है, बट रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो क्यों दे। P3 यहां से निकला और घर को गया, क्योंकि काम हो गया पूरा, 3 के लिए, 18 और 3 21, ठीक है जी। अब नंबर किसका, P2 P4 P2 P4, P2 घुसेगा पहले, कितनी देर के लिए, 4 के लिए, ठीक है, 21 4 25, P2 गया, बचा 1, ठीक है जी। अब P2 यहां से निकला, यहां पे लग गया, ठीक है। P4 की रिक्वायरमेंट बची हुई 9 की, बट मिलना है 4 के लिए, सिंपल सी बात, 25 4 29, बचेगा कितना, 5, ठीक है जी। P4 यहां से निकला, रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई तो लग गया लाइन में फिर से। P1 का नंबर, P2 का नंबर आया, 1 की रिक्वायरमेंट है, 1 ही देंगे, P2, ठीक है जी, देखते जाओ। P2 बाहर निकला, काम हो गया, घर को गया वो भी, बचा कौन, P4, पहले 4 फिर 1, इस तरीके से देंगे उसको, ध्यान रखिए बच्चे क्या करते हैं, सीधा 5 लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना, 4 4 के लॉट में चलेगा वो। P4 P1, 30 4 34, 1 35, ये 35 ये 35 ये 35, हमने अपना चार्ट समवेयर सही बनाया है, ठीक है, इतना तो कॉन्फिडेंस हमें आ गया। ये बन गया मेरा राउंड रोबिन का क्वांटम 4 के साथ। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, जो मैं निकाल ली है बेसिकली, ये था मेरा SRTF के लिए, ठीक है जी। यहां पे टैट निकाल रहा हूं मैं, किसके लिए, राउंड रोबिन के लिए। ओके, P1 देखो आखिरी में कम निकला, आखिरी में निकला 33 पे, ठीक है, 35 माइनस कर देंगे, फिर देखेंगे P2 कम निकला आखिरी में यहां से 30 पे, P3
P3 कब निकला यहां से, चलो 21 पे, P4 कब निकला 34 पे, ठीक है जी। यहां पे गड़बड़ कर दी, यहां पे गड़बड़ कर दी, सीधी सी बात है गड़बड़ कर दी। ये था P4, मैं यही सोच रहा था कुछ गड़बड़ कर दी शायद दिल्ला जी ने, ठीक है जी। P4 ही तो था आखिरी में हमारे पास, दोबारा कर लेते हैं कोई बात नहीं। P1 आखिरी में कब निकला 2 पे माइनस, P2 आखिरी में कब निकला 30 पे, P3 कब निकला देखो 21 पे, देन P4 कब निकला 35 पे, ठीक है जी। अब देखो माइनस करना है क्या हमें इसके अंदर से, 80 है 0 3 2 1, 2 27, ये बचा 19, ये बचा 34। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी चीज अब नहीं रह गई है। एवरेज वेटिंग टाइम इसका निकाल लो, 2 + 15 + 7 + 34 / 4, जो कि होगा 4 7 11 11 5 16 16 2 18, हासिल 1 3 1 4 1 5, ठीक है जी। ये आ गया, दूसरे पे चलते हैं, इसको कर लेते हैं, इसका एवरेज, सॉरी हमें तो टर्न अराउंड टाइम निकालना है ना इसका, 2 15 7 34 टर्न अराउंड टाइम है, ठीक है ठीक है ठीक है। अब निकालेंगे एवरेज टर्न अराउंड टाइम RR का, ये आएगा हमारे पास 2 27 19 34 / 4, जो कि क्या होता है यहाँ पे 9 4 13 13 7 13 7 20 20 और 2 22 22, के बाद 2 4 1 5 5 और 3, यस्सी बहुत ज्यादा हो गया, दोबारा चेक करता हूँ एक बार, 9 4 13 13 7 20 हासिल गए, 20 और 2 22 हासिल किया, 2 2 4 5 5 6 7 8, बिल्कुल सही आ रहा है। ये कितना आएगा 20 8 4, ये 2 पे गया है, ये 0 पे, एंड ये आ गया आई थिंक 20.5 समथिंग, और ये आएगा अराउंड 15 3 45 8 14 20, कम हो जाएंगे तो समथिंग 7 8, जो भी आएगा आप देख लीजिएगा, ठीक है, इतना आएगा आप लगा के चलिए। अब यहाँ पे क्या आया हमारे पास, बेसिकली देखो ये चीज पूछी गई थी, यहाँ पे फोकस करने वाली बात क्या है कि जब राउंड रोबिन वाला हम बनाते हैं तो जो क्यू मेंटेन होती है वहां पे गड़बड़ होती है, उसको ध्यान में रखना, सारे काम आपके बनते चले जाएंगे, बस एक बार की दिक्कत होती है, जैसी फ्लो में आएंगे सारे के साथ चले जाएंगे, ठीक है। तो ये कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे नए ट्यूटोरियल के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, थैंक्स।